بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے پڑھا تھا سمری ان اردو اور اس کے ساتھ ہم نے کیریکٹرز پڑھے تھے, آج ہم سمری ان انگلش پڑھنے جا رہے ہیں. ولیم شیکسپیئر ہیملٹ از اے ٹریجڈی بلیو ریٹن بٹوین 1599 اینڈ 1601. It tells the story of Hamlet, Prince of Denmark, who takes revenge on his uncle, the current king, of killing his father, the former king. It is one of the Shakespeare's best known plays, one of the most quoted works in English language, and often included on list of world's greatest literature. Critics have called Hamlet Shakespeare's greatest play, and it is the longest play in the entire Shakespeare canon. यानी कि हैमलेट को कहा जाता है शेक्सपियर का ये ग्रेटेस्ट प्ले था और ये लॉन्गेस्ट प्ले था शेक्सपियर के एक्स्ट्रा एंटायर यानी कि उसने जितने भी वर्क्स किए थे उनमें. द सेंट्रल कैनन वैसे तो तोप को कहते हैं लेकिन उसने जो अपने शाहकार किए जो कारनामे थे उनमें ये सबसे लॉन्गेस्ट प्ले था. द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज प्रिंस हैमलेट. ही इज द सन ऑफ लेट किंग हैमलेट who died 2 months earlier and the nephew of King Claudius, his father's brother and successor. Hamlet is grieving at his father's death and suspects his him murdered by Claudius. Hamlet जो है वो अपने बाप की डेथ के बाद बहुत ज्यादा अफसुरदा हो जाता है और उसको ये शक होता है कि Claudius ने ही उसके बाप को मारा जो कि उसका चचा है. The plays open on a cold winter night at Alzinor, the royal castle. Two sentries, Marcellus and Bernardo, are trying to persuade Hamlet's friend Horatio that they have seen recently deceased King Hamlet ghost. Horatio, in the beginning, does not believe it, but comes to believe it when the ghost appears again. Horatio tries to talk with it, but it vanishes without saying anything. In the meanwhile, the court is assembled to celebrate Claudius' marriage to Gertrude. उसी टाइम जो है जो कोर्ट जो है वो इकट्ठा होता है और वो सेलिब्रेट करता है क्लॉडियस की शादी जर्ट्रूड से, who is Prince Hamlet's mother and was King Hamlet's queen. Claudius uses the opportunity to announce an end to official mourning for his brother. Claudius जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए अनाउंस करता है एन एंड टू ऑफिशियल मॉर्निंग फॉर हिज ब्रदर, के वो जो ऑफिशियल मॉर्निंग है उसके ब्रदर को वो उसको एंड कर देता है. Hamlet is angered by these events. अब वो जब उसकी माँ की शादी होती है उसके चचा के साथ तो फिर उस वो बहुत ज्यादा इस पे अफसुरदा होता है एंड इन अ सोलिलोक्वी कंपेयर्स दिस वर्ल्ड विद एन अनवेडेड गार्डन एंड विशेस डेथ फॉर हिमसेल्फ. एट दैट वेरी मोमेंट होरेशियो एंड वॉचमैन मीट हैमलेट एंड नरेट टू हिम यस्टर नाइट्स हैपनिंग. Hamlet affirms that all is not well and decides to confront the ghost. At midnight that evening, Hamlet encounters the ghost himself during a conversation with his son. The ghost confides that he was poisoned by Claudius. Ghost jo hai wo usko batata hai ki usko Claudius ne zeher diya tha, ordering Hamlet to seek revenge on the man who usurped his throne and married his wife. और ऑर्डर करता है हैमलेट को कि इस इंसान से यानी कि क्लॉडियस से तुम बदला लो जिसने उसका थ्रोन और उसकी मैरिड उसकी बीवी को छीन लिया है. एंड द गोस्ट डिसअपीयर्स विद द डॉन, और सुबह होते ही गोस्ट डिसअपीयर हो जाता है. कंफर्मेशन ऑफ द मर्डर फर्दर एनरेजेस हैमलेट एंड ही डिसाइड्स टू अफेक्ट मैडनेस टू डिसीव क्लॉडियस. और वो डिसाइड करता है कि वो क्लॉडियस को डिसीव करने के लिए धोखा देने के लिए जो है पागलपन का क्या एक्ट करेगा या पागल बन के दिखाएगा लोगों को, एक्ट ऐसे करेगा जैसे वो पागल है. हैमलेट इन ऑर्डर टू कन्वे द न्यूज ऑफ हिज मैडनेस फर्स्ट ट्राइज टू अपसेट पोलोनियस द किंग चीफ काउंसलर डॉटर ऑफेलिया हु इज ऑल्सो इन रिलेशनशिप विद हैमलेट. हैमलेट जो है ये न्यूज जो है अपनी मैडनेस की पहले तो वो अपसेट करने की कोशिश करता पोलोनियस की डॉटर ऑफेलिया को, वो जो कि ऑलरेडी इन रिलेशन होती है विद हैमलेट बाय अब्रप्टली अपीयरिंग इन हर चैम्बर. उसके आगे जो है वो पागलों की तरह एक्ट करता है उसके रूम में जाके. ऑफेलिया नरेट्स द होल इंसिडेंट टू हैमलेट स्ट्रेंज बिहेवियर विद हर
टू हर फादर. और ओफेलिया जो है ये सारा हैमलेट का स्ट्रेंज बिहेवियर अपने फादर को जाके बता देती है. पोलोनिया मिसअंडरस्टैंड्स द कॉज एंड कंक्लूड्स एन एक्सटेसी ऑफ लव. पोलोनियस जो है वो इस कॉज को मिसअंडरस्टैंड कर जाता है और वो समझता है कि ये शायद मोहब्बत का जुनून है. इज ब्लेम फॉर हैमलेट्स ट्रबल्ड मेंटल कंडीशन, जिसकी वजह से ये हैमलेट जो है वो उसकी मेंटल कंडीशन अब ठीक नहीं है. However, Claudius knew that there is more than meets the eye and decides that madness in great ones must not unwashed go. Great ones, यानी कि Claudius ये भी जानता है कि there is more than meets the eye and decides, कि वो कई दफा उसके साथ मिलता है और वो ये decide करता है कि जो madness होती है ना, पागलपन होती है, जो great ones होते हैं, यानी कि great ones कौन होते हैं, जिनको आला रुतबे मिले हुए होते हैं, उन वो कभी भी अनवॉश्ड वो नहीं जाती. यानी कि जो बादशाह और मलिका के साथ जो भी हो रहा होता है, देखिए आम बंदा पागल होता है वो अपने घर में होता है, किसी को पता भी नहीं होता, लेकिन अगर शहजादा पागल हो जाए फिर क्या होगा, पूरे मुल्क के अंदर खबर फैल जाएगी कि जी फलाने मुल्क का बादशाह, उसका बेटा जो है, शहजादा जो है, वो जो है मैड हो गया. देयरफॉर ही सेंट टू स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट्स रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्ड्समैन टू सीक आउट द रीजन ऑफ हिज मैडनेस. तो वो उसी के दो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट फ्रेंड्स होते हैं हैमलेट के, उनको भेजता है कि भाई तुम जरा देख के आओ कि ये क्यों पागल हुआ है. हैमलेट ग्रीट्स रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न वार्मली बट क्विकली गेसेस देयर पर्पस. व्हेन ही एक्सप्रेसेस हिज डिससैटिस्फैक्शन विद द वर्ल्ड रोजेनक्रेंट्स इन्फॉर्म्स हिम दैट अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स हैव कम इन पैलेस. Who can entertain him? Hamlet calls them in his presence. अब रोजेनक्रॉस जो है वो कहता है कि भाई एक ट्रूप ऑफ एक्टर्स है जो कि पैलेस में आ रहा है जो कि उसे एंटरटेन करेगा. हैमलेट जो है, हैमलेट कॉल्स देम इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में वो उसको कॉल करता है एंड आस्क देम टू रिसाइट अ फ्यू लाइंस फ्रॉम हेकुबास ट्रेजेडी, और उसको कहते हैं कि आप हेकुबा ट्रेजेडी के बारे में मुझे कुछ लाइन्स बताएं. When the actor describes the misery of Hecuba at the death of her husband Priam, tears start rolling from his eyes. तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. At this moment, Hamlet curses himself for not carrying out tasks entrusted by him by the ghost. कि उसने ये देख के कि मतलब एक Hecuba के उसके हस्बैंड की डेथ होगी, उसके लिए तो वो आंख रो रहा था, लेकिन वो जो गोस्ट ने उसको टास्क दिया वो उसने अभी तक काम नहीं किया. At that moment, a moment Hamlet hits upon the idea to stage a play, the murder of Gozango, which Hamlet calls the mouse trap, as the means of testing his uncle's guilt. अब वो करता क्या करता है कि वो एक ड्रामा जो है, स्टेज प्ले जो है वो इनॉग्रेट करता है और वो कहता है उसका नाम, और वो किसके बारे में होता है, उसके अंदर मर्डर ऑफ गोंजैगो दिखाया जाता है, जिसको वो उस ड्रामे का नाम वो रखता है माउस ट्रैप, एज मींस ऑफ टेस्टिंग हिज अंकल गिल्ट, ताकि वो टेस्ट कर सके कि अपने उसके जो चचा है, जो क्लॉडियस है, क्या उसने ये गुनाह किया है या नहीं किया, यानी कि उसने उसके बाप को कत्ल किया है या नहीं किया, ये सब देखने के लिए वो ये करता है. उसके बाद जो है, इन दिस प्ले विद इन अ प्ले he will have the players perform a scene closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered his father. So that if Claudius is guilty, he will surely react. Ab jo hai is play ke andar jo hai, jab player jo hai perform kar rahe hote hain scene ko, to actually wo usi consequence se resemble karta hai jis tarike se Claudius ne uske father ko, यानी कि अपने भाई को कत्ल किया होता है. और जो है हैमलेट जो है वो अपने अंकल को इमेजिन कर रहा होता है कि उसने, यानी कि उसके फादर को, उसके चचा ने उसके फादर को जो है कत्ल किया. क्लॉडियस एग्रीज टू अटेंड द प्ले बट फर्स्ट ही एंड पोलोनियस हाइड देमसेल्व्स टू स्पाई विद ओफेलिया ऑन हैमलेट. क्लॉडियस मान तो जाता है कि उसने इस प्ले में आना है, लेकिन इससे पहले वो छुप जाता है वो और पोलोनियस, ताकि वो उसकी और हैमलेट की बातें सुन सके. बिलीविंग देम टू स्पाई विद ओफेलिया ऑन हैमलेट, ओफेलिया को भी अपने साथ में ला लेते हैं ताकि वो उसकी और हैमलेट की बातें सुन सके. बिलीविंग हिमसेल्फ अलोन,
Hamlet reflects on his predicament until Ophelia alerts him to her presence. अपने आप को पहले तो वो समझता है कि वो अकेला है, फिर हैमलेट रिफ्लेक्ट करता है उसके प्रेडिकमेंट पे अंटिल ओफेलिया उसको अलर्ट करती है ऑन हर प्रेजेंस कि वो भी उसके साथ है. हैमलेट बेरेट्स हर फॉर हर इमोडेस्टी एंड डिसमिसेस हर टू अ ननरी. हैमलेट जो है उसकी इमोडेस्टी और की वजह से उसको जो है एक्यूज करता है और उसको डिसमिस करता है फॉर अ ननरी. अ क्रूएल डबल and tender as nunnery was Elizabethan slang for brothel, causing her great distress. Iski wajah se wo bahut zyada distress mein chali jati hai. Fearing for his life, the king decides to banish Hamlet. Ab jo hai apni jo hai zindagi ke liye wo jo king hota hai wo decide karta hai ki wo Hamlet ko kisi tarah khatam karega, apne raste se hatayega to England, but first Polonius persuade him to allow Gertrude to try to discover the cause of Hamlet. अच्छा, फिर वो कहता है कि try discover the cause of Hamlet madness और allow करता है Gertrude को, यानी कि Hamlet की माँ को, कि वो ये discover करने की कोशिश करे कि Hamlet ने क्यों ऐसा किया. Hamlet directs the actor's preparation. Hamlet जो है वो direct करता है actor की preparations को. The court assembles and the play begins. Hamlet provides a running commentary throughout when the moment where the king is poisoned arrives. Claudius rises abruptly and leaves the room. Hamlet and Horatio agree that this proves his guilt. अब Hamlet और Horatio कोई पक्का यकीन हो जाता है कि जब क्लॉडियस वहां से चला जाता है और वो देखता है एक्टर्स को कि वो किंग को पॉइजन दे रहे हैं, तो क्लॉडियस घबरा के चला जाता है. हैमलेट इज समन टू हिज मदर्स बेड चैम्बर एंड एन रूट डिस्कवर्स क्लॉडियस प्रेइंग पॉइजन टू स्ट्राइक. हैमलेट हेजिटेट्स सिंस ही बिलीव्स दैट किलिंग क्लॉडियस व्हाइल इन प्रेयर वुड सेंड क्लॉडियस सोल टू Heaven. Hamlet जो है actually वो उसको poison भी नहीं करना चाहता था. Hamlet जो है वो अपनी माँ के पास आता है और वो discover करता है Claudius की प्रेम को. Claudius के मतलब discover करता है कि ये Claudius ने ही शायद उसकी माँ को मजबूर किया कि वो उससे ये सारा कुछ पूछे. अब वो पॉइजन टू स्ट्राइक, अब वो ऑलरेडी जो है ये पूरा मंसूबा क्लॉडियस की तरफ से बना हुआ होता है. हैमलेट जो है वो हेजिटेट होता है सिंस ही बिलीव दैट किलिंग क्लॉडियस व्हाइल इन प्रेइंग वुड सेंड क्लॉडियस सोल टू हेवन. के जब अब अगर जब वो अपनी माँ के चैम्बर में जाता है और वो देखता है कि क्लॉडियस तो प्रे कर रहा है, तो वो कहता है कि अगर मैं इसको इस वक्त मारता हूँ तो क्लॉडियस क्योंकि प्रे करते हुए मरेगा तो ये तो सीधा जन्नत में चला जाएगा, उसकी सोल तो सीधी हेवन में चली जाएगी. तो हैमलेट कंसीडर्स दैट इट वुड बी एन इनएडुकेट रिवेंज एंड डिसाइड टू वेट. तो इस वजह से हैमलेट उस वक्त तो क्लॉडियस को नहीं मारता, लेकिन वो कहता है कि मैं बाद में फिर किसी मौके का तलाश करूंगा. रीचिंग हिज मदर्स चैम्बर हैमलेट कन्फ्रंट्स गर्ट्रूड एंड एक्यूजेस हर ऑफ बिट्रेइंग हर हस्बैंड and of being in alliance with the murderer of his father. Gertrude gets panic and cries out. Polonius, who was hidden behind a tapestry to hear the conversation going on between mother and son, react by crying, help, help. Polonius ko ye lagta hai jab jo hai Hamlet jo hai wo kamre mein aata hai aur wo apni maa ko jo hai accuse karta hai ki tumne apne husband ko dhoka diya hai, और जब वो वापस जाने लगता है तो उसको पोलोनियस क्योंकि कमरे में छुपा हुआ होता है, उसको लगता है क्योंकि ये हैमलेट पागल है तो कहीं ये मलका को जो है कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो फौरन से क्राई करना शुरू कर देता है हेल्प हेल्प. इट ब्रॉट हैमलेट टू स्टैब वाइडली एट द टेपेस्ट्री. और इस वजह से हैमलेट जो है वो उसी वक्त जो है उसको अपनी तलवार चला देता है. हैमलेट होप्स ही स्टेबल्ड द किंग, उसको लगता है कि शायद उसने किंग को कत्ल कर दिया, बट इंस्टेंट डिस्कवर्स पोलोनियस कॉप्स. लेकिन उसको वो बाद में देखता है कि पोलोनियस जो है वो वहां पे मरा हुआ है. हैमलेट एक्यूजेस जर्ट्रूड ऑफ कम्प्लिसिटी इन हिज फादर्स डेथ. शी एडमिट्स अ स्मॉल पार्ट. द गोस्ट देन अपीयर्स बट इज विजिबल ओनली टू हैमलेट. ही अर्जेस हैमलेट टू ट्रीट जर्ट्रूड जेंटली
बट वो एवेंज हिज डेथ ऑन क्लैडियस. वो कहता है कि तुम अपनी माँ के साथ, वो जो गोस्ट जो है वो वहां पे विजिबल होता है, वो कहता है अपनी माँ के साथ तुम आराम से बात करो, लेकिन जो रिवेंज है क्लॉडियस से वो बहुत जल्दी ले लो. अनेबल टू सी द अपेरिशन जेट्रू टेक्स हैमलेट बिहेवियर फॉर अ साइन ऑफ मैडनेस. और जब वो जेट्रूड को वो भूत नजर नहीं आता, एपरिशन नहीं नजर आता, तो वो उसको हैमलेट के बिहेवियर को वो समझती है दैट इज अ साइन ऑफ मैडनेस, कि शायद हैमलेट पागल है. हैमलेट ड्रैग्स पोलोनियस कॉर्प्स अवे एंड हाइडेड. वो पोलोनियस की लाश को है को ड्रैग अवे करता है और उसको छुपा देता है. फॉर दिस क्राइम क्लॉडियस इमिडिएटली सेंड्स हैमलेट टू इंग्लैंड. और इस क्राइम की वजह से क्लॉडियस जो है उसको इंग्लैंड भेज देता है एकम्पनीड बाय किंग ऑफ इंग्लैंड रिक्वेस्टिंग द प्रिंस एग्जीक्यूशन. वो जो है एक खत देता है वहां के बादशाह को और दोनों को, रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डमैन को, कहता है कि ये जो खत है ये तुमने बादशाह को दे देना है ताकि प्रिंस की एग्जीक्यूशन, यानी कि ताकि वो वहां पहुंचते ही प्रिंस को, यानी कि हैमलेट को कत्ल कर दे. एंड ड्यूरिंग द जर्नी हैमलेट डिस्कवर्स द डॉक्यूमेंट एंड अमेंड्स इट टू दैट सो दैट रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेनस्टर्न आर एग्जीक्यूटेड इन हिज प्लेस. द फॉलोइंग डे हैमलेट इज किडनैप्ड बाय पायरेट्स एंड इज रिटर्न्ड फॉर आर रैंसम टू किंग क्लॉडियस. In the aftermath of her father's death, Ophelia goes mad with grief and drowns in the river. जब वो वापस पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि अपने फादर की डेथ की वजह से ओफीलिया जो है वो पागल हो गई है गम में और वो दरिया में डूब के मर चुकी है. Polonius' son Laertes, who has been staying in France, returns to Denmark in a rage. जो कि फ्रांस में स्टे किया होता है वो फौरन से डेनमार्क आ जाता है. उससे में क्लॉडियस कन्विंसेस हिम दैट हैमलेट इज टू ब्लेम फॉर हिज फादर एंड सिस्टर्स डेथ, कि हैमलेट ने उसके सिस्टर और फादर को मारा है. व्हेन होरेशियो एंड द किंग रिसीव लेटर फ्रॉम हैमलेट इंडिकेटिंग दैट द प्रिंस हैज रिटर्न टू डेनमार्क आफ्टर पायरेट्स अटैक्ड हिज शिप एंड रूट टू इंग्लैंड, क्लॉडियस कनकोर्ट्स अ प्लान टू यूज desire for revenge to secure Hamlet's death. अब क्या होता है कि जब होरोशी और किंग जो है वो रिसीव करते हैं लेटर फ्रॉम हैमलेट, जो कि ये इंडिकेट करता है कि प्रिंस जो है वो वापस डेनमार्क आ रहा है, उसको वापस आना है आफ्टर पायरेट्स अटैक हिज शिप जो कि इंग्लैंड की तरफ जा रही थी. क्लॉडियस जो है कनकोर्ट करता है एक प्लान कि वो लर्टिस को यूज करेगा अब और के वो रिवेंज ले हैमलेट से. लेटस विल फेंस विद हैमलेट इन इनोसेंस स्पोर्ट बट क्लॉडियस विल पॉइजन लेटस ब्लेड सो दैट इट ही ड्रॉस ब्लड. अब क्या होता है कि लेटस जो है वो पहले तो गुत्थम गुत्था हो जाता है हैमलेट के साथ, लेकिन बाद में जो है क्लॉडियस जो है उसकी जो ब्लेड होता है, यानी कि वो एक फेंस के अंदर एक लड़ाई लड़ते हैं वैसे ही जनरल एक प्ले के तौर पे, स्पोर्ट्स के इनोसेंट स्पोर्ट के तौर पे, लेकिन क्लॉडियस जो है लर्टिस की जो तलवार होती है उसको पॉइजन कर देता है. सो दैट इफ ही ड्रॉज ब्लड, ताकि उससे ब्लड निकले हैमलेट विल डाई, कि अगर हैमलेट को ये लग गई और उसको जख्म आया हैमलेट को तो हैमलेट मर जाएगा. एज अ बैकअप प्लान द किंग डिसाइड्स टू पॉइजन अ गॉबलेट which he will give Hamlet to drink should Hamlet score on the first or second hits of the match. तो उसने कहा, उसने वो क्या करता है, शराब के प्याले में भी वो थोड़ा सा जहर मिला देता है कि अगर यहाँ से पहली या सेकेंड हिट के बाद जब हैमलेट आएगा तो वो ये पी लेगा. Hamlet returns to the vicinity of the Elsinore just as Ophelia's funeral is taking place. Stricken with grief, he attacks Laertes and declares that he had in fact always loved Ophelia. Back at the castle, he tells Horatio that he believes one must be prepared to die since death can come any moment. A foolish courtier named Osric arrives on Claudius' order to arrange the fencing match between Hamlet and Laertes. Ab wo Hamlet aur Laertes ka jo match hai wo aapas mein
स्टार्ट होता है. द सॉर्ड फाइटिंग बिगिंस. हैमलेट स्कोर्स द फर्स्ट हिट बट डिक्लाइंस टू ड्रिंक फ्रॉम द किंग्स प्रोफर्ड गॉबलेट. इंस्टेड जर्ट्रूड takes a drink from it and is swiftly killed by poison. Laertes succeeds in wounding Hamlet, though Hamlet does not die of poison immediately. During the bout, Laertes is cut by his own sword blade and fears his fast approaching death. He reveals to Hamlet that Claudius is responsible for the queen's death. He tells Hamlet about the conspiracy of Claudius and then he dies from the blade's poison. Hamlet then stabs Claudius through which the poisoned sordant forces him to drink down the rest of the poisoned wine. Claudius dies and Hamlet dies. Dono mar jate immediately after achieving his revenge. At this moment, a Norwegian prince named Fortinbras, who has led an army to Denmark and attacked Poland earlier in the play, enters the ambassadors from England, who reports that Rosencrantz and Guildmans are dead. Fortinbras is stunned by the gruesome sight of entire royal family lying sprawled on the floor dead. Fortinbras jo hai wo dekhta hai ki ye to puri royal family jo hai ye on the floor dead padi hui hai jab wo attack karta hai. He moves to take the power of the kingdom aur wo power of kingdom le leta hai. Horatio, fulfilling Hamlet's last request, tells him Hamlet's story. Horatio जो है जो उसकी last request होती है उसको उसकी पूरी Hamlet की story सुनाता है. Fortinbras orders that Hamlet be carried away in a manner befitting a fallen soldier. तो फिर Fortinbras ये order करता है कि Hamlet की को इसी तरीके से इसी manner से इसी honor के साथ जो है उसको दफनाया जाए जैसे एक शहीद soldier जो है वो दफनाया जाता है. तो इस तरीके से उस पूरी जो रॉयल फैमिली है इसका डाउनफॉल होता है और सब मर जाते हैं और हैमलेट जो है फाइनली बादशाह से रिवेंज ले लेता है.